बाहर निकल रहे हैं। से बंद करना है दबड़ नहीं, राइट आई कौन सी है? अब सामने पढ़ के बताओ, सीटर के नीचे वाली लाइट। हाँ पढ़ सकते हैं ठीक। नाश्ता किया है? ये खानी है ठीक है, ये खानी आपको भी। जाओ। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जेसी जोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे कि नवोदय विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पर लगभग 550 बच्चे और 60 के करीब स्टाफ रहता है, उनकी मेडिकल फैसिलिटी कैसे कैसे रहती है, बच्चे बीमार भी होते हैं और कहीं कोई परेशानी भी होती है, तो उसमें नवोदय विद्यालय समिति या कहना चाहिए सरकार की तरफ से क्या नियम यहां पर बनाए गए हैं और क्या क्या फैसिलिटी होती है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती यशिका सोनी, जो कि नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। यशिका सोनी यहां पर नर्स की पोस्ट पर जो है यहां पर अपॉइंटेड है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मैडम आपसे जानकारी चाहूंगा, दर्शकों की जानकारी के लिए आप कृपया अपना परिचय प्रदान करें। सर मेरा नाम यशिका सोनी है और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर ज्वाइन किया था नवोदय में एज ए स्टाफ नर्स, मुझे एक साल यहाँ पे काम करते हुए हो गया सर। जी जी, हमारे बीच में उपस्थित है हाउस मिस्ट्रेस या कहना चाहिए सदन प्रभारी, जो छात्राओं की सदन प्रभारी भी है। मैं मैम से भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका सोलंकी, मैं यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश हूँ और सीनियर हाउस फर्स्ट गर्ल्स की हाउस मास्टर हूँ। जी, तो मैम आपसे पहला प्रश्न मैं दर्शकों की तरफ से करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर पूरे बच्चों का, स्टाफ का, मेडिकल साइड का जो भी सिस्टम है उसको आप संभालती हैं, तो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या कार्रवाई इस संबंध में आप करती हैं? सर देखो, यहाँ नवोदय जो है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है जी, और यहाँ पे 500 बच्चे हैं और उनके साथ 60 लगभग स्टाफ है जी।
तो देखो सर 500 बच्चे हैं तो डेली ना डेली कोई ना कोई बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है जी, जिसमें हम उन बच्चों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं जी। तो सर जैसे बॉयज है वो सबसे पहले अपने हाउस मास्टर को बताता है सदर प्रभारी को जी, और जो सर गर्ल है वो अपनी हाउस मिस्ट्रेस को बताता है, तो फिर उनके थ्रू वो बच्चे जो है वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं जी। तो जैसे सरकार और डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास जो है वो फर्स्ट एड की मेडिसिन प्रोवाइड होती है जी। जैसे बच्चा कभी हेडेक हो गया, बुखार हो गया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, जैसे वेदर चेंज होता है तो ये सब प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाती है, तो सर हम इनकी मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं जी। और सर जैसे कई बार ज्यादा इश्यू हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हमारे पास जो है वो डॉक्टर की फैसिलिटी भी होती है। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये जो डॉक्टर है मैडम कब क्या रेगुलर विजिट करते हैं या क्या सिस्टम इनका डॉक्टर्स का रहता है? डॉक्टर को वीकली 2 दिन बुलाया जाता है। 2 दिन? हाँ जी सर। ठीक है, तो वो डॉक्टर आकर के अगर कोई इस तरह की बीमारी है बच्चे की जो आपके कंट्रोल से बाहर है या बड़े लेवल की है तो उसको देखते हैं, हाँ तो उसके हिसाब से उनका मेडिसिन रहता है। हाँ जी सर, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप अब इसको इतने दिन के लिए ये दवाई दीजिए। ठीक है, तो फिर हम वो मेडिसिन और उस मेडिसिन को आपके केयर में बच्चे को ट्रीटमेंट आप करवाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैडम अब मैं जानकारी चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा है कि बच्चे की जैसे कोई रिपोर्टिंग या कोई ऐसा एग्जामिनेशन होना है, ब्लड का है या कोई और प्रॉब्लम है जो हमारे इस लेवल की नहीं रहती है, तब आप क्या करते हैं? सर हम हमारा जो है स्कूल लेवल से और मतलब कि जो सरकार ने हमें बोला वो हमारा जो है वो CHC हॉस्पिटल से जो है वो कनेक्शन है, तो है। हम बच्चों को सर वहाँ पे लेके जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे उनके जो है वो ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम होते हैं। अच्छा, तो क्या आप कोई पेरेंट्स का भी सहयोग इस में देते हैं? हाँ जी सर, जब बच्चा काफी पैनिक हो जाए, काफी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हम उनके पेरेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं जी। तो बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके आप उनको फर्स्ट एड अपनी तरफ से दे देते हैं और उसके बाद उनको हैंड ओवर कर देते हैं और ट्रीटमेंट के बाद बच्चा वापस यहाँ पर फिट होने के बाद यहाँ पर आता है। सर उसके बाद हमें क्योंकि हम उसको मेडिकल लीव पे भेजते हैं तो फिर हम जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो लेके आएगा फिटनेस का फिर हम जी। तो आपकी चर्चा से एक क्वेश्चन आया कि जो हाउस मास्टर है या सदन प्रभारी है या हाउस मिस्ट्रेस है तो वो भी आपका सहयोग करती हैं बच्चों को संभालने में, तो मैम दीपिका मैडम आपसे प्रश्न है दर्शकों की तरफ से कि आप हाउस मिस्ट्रेस हैं तो आपका क्या रोल रहता है बच्चों को संभालने में? जी सर, काफी अच्छा सवाल है, मैं जवाब देना चाहूंगी इस सवाल का कि हाउस मास्टर ही नहीं, हाउस मास्टर यहाँ पर इज अ मदर टीचर होता है बच्चे का, तो बच्चे की केयर करना और वो हमें अपनी मदर की तरह ही ट्रीट करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है हमें बताते हैं, जैसे अगर वो सिक है तो हमारे पास आते हैं, हमें पहले बताते हैं कि मैम ऐसी प्रॉब्लम है उन्हें, तो फिर हम उन्हें नर्स मैम के लिए रेफर करते हैं, फिर नर्स मैम उनका अच्छे से उन्हें ट्रीटमेंट रेफर करते हैं, और जब हम क्लासेस में होते हैं तो हमारे साथ में 2 सह परिचारिका है यानी कि मैट्रन, वो उनकी देखभाल कर रही होती हैं हॉस्टल में अगर हम उनके पास नहीं होते हैं तो जी। इस तरीके से बच्चे को घर जैसा फील यहाँ पर होता है और उसकी सही तरीके से केयर की जा सकती है। तो आपका कहने का मतलब हो गया कि जो मैटर्न है आपकी क्लासेस के टाइम वो वहां पर उनको केयर करती हैं, कोई इमरजेंसी के केस में वो आपको इंटीमेट करती हैं और उसके बाद नर्स के थ्रू हम लोग उसको चेकआउट कर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो मैम आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बच्चा ऐसा नादान है जिसको समय समय पर अपने को संभालने की आवश्यकता पड़ती है, उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चा फील करता है उसको चक्कर आ रहे हैं, असेंबली में कभी कभी ऐसा फील हो सकता है जब गैदरिंग है या कोई ऐसी वजह हो सकती है स्पोर्ट्स में बच्चा अचानक से गिर जाए, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग आपकी तरफ से या स्कूल की तरफ से दी जाती है? सर मोस्ट ऑफ स्कूल में ये देखा जाता है कि असेंबली में जो है वो बच्चा ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता जी, तो वो उनको वो फील करते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है। एक तो होता है सर वो सुबह नाश्ता मिस कर जाते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पी के आते हैं, तो सर हम उन्हें यही गाइड देते हैं कि आप पानी का जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और कभी भी नाश्ता मिस नहीं करना जी। हाँ जी सर,
तो हम सबसे पहले अगर जैसे चक्कर आ जाता है बच्चा, तो मैं जो है वो हर टाइम असेंबली में वहाँ पे प्रेजेंट होती हूँ। अच्छा, आप रहते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और तो जैसे बच्चा गिर जाता है, कई बच्चे होते हैं बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो हमें उस कंडीशन को पैनिक नहीं करना है सर। सबसे पहले हमें उसको मतलब ऐसे उससे बात करनी है और उसकी पल्स चेक करनी है सर। अगर उसकी पल्स चल रही है तो इसमें मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बस हम थोड़ा सा उसके फुट को जो है वो एलिवेट कर देते हैं, जिससे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया। और स्पोर्ट्स में बच्चा बाय चांस कहीं गिर जाता है, अचानक से हो जाता है ऐसी, तो क्या बच्चे इतना वो जानकारी में है कि वहां पर जैसे स्पोर्ट्स टीचर भी रहते हैं और आप भी रहती हैं वहां पर, तो तुरंत क्या कार्रवाई उनको बता रखा है? सर जैसे बच्चे खेलते खेलते काफी ग्राउंड में दौड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं जैसे, तो सर मैं अपना एक फर्स्ट एड का किट लेके वहाँ पे प्रेजेंट होती हूँ, जिसमें सर बैंडेज होती है, बीटाडीन सॉल्यूशन होता है और कॉटन स्वैब वगैरह जो है वो गॉज पीस हमारे पास रहते हैं जी। तो सर अगर जैसे थोड़ी बहुत उसको बूंद है, थोड़ा बहुत घाव है, तो हम वहीं पे बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाती है, उसको साफ करके उसको पट्टी कर देते हैं सर। और अगर ज्यादा बहुत चोट लग गई उसको, तो हम उसको ब्लड साफ करके उसको बूंद करके फिर हम उसको जो है वो नियर बाय हॉस्पिटल के लिए रहते। तो मैम, आप दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल साइड में कुछ जनरल ऐसी बातें जो सावधानियां आम व्यक्ति को या स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए जिससे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सके, तो ऐसी कुछ बातें आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं प्लीज। हाँ जी सर, तो सबसे पहले जो है वो हमें सुबह उठ के जो है वो पानी का सेवन करना चाहिए जी। उसके बाद जो है वो हमें फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अपना थोड़ी देर जो है वो वॉक वगैरह करें, हाँ, योगा करें जी, है ना, और कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखो आजकल जो है वो एग्जाम टाइम चल रहा है सर, ठीक है, तो इस चीज का जो है वो बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं सर, वो रात को काफी देर तक जागते हैं, जिस वजह से जो है वो नींद पूरी नहीं होती है और फिर अगले दिन उनका दिन अच्छा नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो उसका असर जो है वो एग्जाम पे पड़ता है। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल किसी भी चीज का एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जी। सबसे पहले जो है वो अपनी नींद पूरी करिए, क्योंकि हमें नींद पूरी करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी, आपकी आईज डिस्टर्ब, हेडेक होगा, और उसी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जी। तो सबसे पहले जो है वो बच्चों को मैं यही बोलूंगी कि टेंशन नहीं लेनी है और सबसे पहले अपनी नींद पूरी करिए जी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह फिर 4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, तो रात को समय से सो जाइए और फिर सुबह उठ के अपना जो है वो कुछ एक्सरसाइज करिए, फिर पढ़िए और फिर अपना एग्जाम देने जाइए जी। और नाश्ता सर, ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ब्रेकफास्ट जो है वो हमें प्रॉपर करना चाहिए, बिना ब्रेकफास्ट किए जो है वो कभी भी अपने स्कूल या एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। हाँ जी सर, तो मैं ये बच्चों को बोलूंगी कि एक तो योगा अपना प्रॉपर करिए, एक्सरसाइज, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। हाँ जी सर, और फूड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बच्चों का खान पान होना चाहिए? आज के टाइम में देखो सर कि बच्चे जो है वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ जी सर, जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैंने बहुत देखा है कि डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और आईज प्रॉब्लम सर बहुत हो चुकी है, क्योंकि घर में अगर हम उन्हें न्यूट्रिशियस फूड देते हैं तो वो नहीं लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप फास्ट फूड को छोड़ के न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अपनी लाइफ में लेके आए सर, फास्ट फूड को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि मैंने देखा है बाहर बच्चे बाहर जाते हैं और सुबह भी फास्ट फूड ले रहे हैं, दोपहर में भी फास्ट फूड ले रहे हैं, शाम को भी फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उसका जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो हमें लेना है, फ्रूट्स ऐड करिए, सुबह फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए, और अच्छे से जो है वो अपना खाना पाना अच्छे से करिए। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम यशिका मैडम, दीपिका मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी कि नवोदय विद्यालय में बच्चों को कैसे कैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाती है,
कैसे उनका ध्यान रखा जाता है, कैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है कि वहाँ पर पूरा हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल की तरफ से, सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की और अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदय विद्यालयों में समय समय पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न रोगों से संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम सभी बच्चों की जांच करके उनका इलाज करती है। ये बेटा आप ना इस बताओ, शीशे के नीचे वाली लाइट, हाँ पढ़ सकते हैं।